ये देखिए टेस्टी टेस्टी सॉफ्ट दही बड़े, इसको मैं कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ, तो आप इसका स्पॉन्ज देख सकते हैं अंदर कितनी बढ़िया जाली बनी है इसके अंदर। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत ही परफेक्ट है। आपको मैं इसे पूरा कट करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। तो यही रेसिपी है आज की हमारी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल सीसीसी बाय प्रिया में। अब जैसे कि हमारे चैनल पर होली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था इमली की चटनी। अगर अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिए। होली की प्रिपरेशन करनी हमने स्टार्ट कर दी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बल्ले। अब होली के टाइम पर दही बल्ले सभी के घर में बनते हैं, बट बात क्या होती है कि वो सॉफ्ट बने, अंदर से उसके अंदर गुठली ना बने। अक्सर जो आप लोग दही बल्ले बनाते हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं, या तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि दही में जाने के बाद टूट जाते हैं, नहीं तो इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि स्पून से कट नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज ऐसी खास ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख भी सकते हैं इतने सॉफ्ट इतने बढ़िया दही भल्ले बने हैं, जिसे भी बनाकर खिलाएंगे तारीफ जरूर पाएंगे। और सबसे खास बात पता है क्या है कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इतने छोटे से साइज का हमने दही भल्ला बनाया और वो फूल कर इतना बड़ा हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि हम किस टेक्निक से उसको बनाने वाले हैं। इतने ज़्यादा सॉफ्ट दही भल्ले आपने आज से पहले बिल्कुल नहीं खाए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। होली के लिए और कौन कौन सी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड्स आप लिख सकते हैं। और जो भी होली की रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि जितनी भी होली की रेसिपीज शेयर हों वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएं, एक ही जगह पर मिल जाएं। बहुत सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोस में, तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे ना तो कोई ना कोई वीडियो आप मिस कर जाएंगे। और फिर अब देर इस बात की स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। टेस्टी टेस्टी और सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है उड़द की धुली दाल, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। दाल अच्छे से फूल गई है। अब दाल को हमें मिक्सर ग्राइंड करना है। मिक्सर ग्राइंड करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बिना पानी ऐड किए हमें दाल को ग्राइंड करना है, तो मैं यहाँ पर ग्राइंड करना स्टार्ट करती हूँ। जब दाल आप ग्राइंड करेंगे तो ये एक बार में ग्राइंड नहीं होती है, आपको इसे बीच बीच में खोल कर देखना पड़ता है। और जब आप इसको बीच में खोलते हैं तो एक बार इसे स्पून की सहायता से कुछ इस तरीके से चला दीजिए, ताकि दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो पाए। और अगेन इसको चर्न करना स्टार्ट कीजिए, तब आप नोटिस करेंगे कि दाल अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रही है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पानी और अगेन इसको ग्राइंड करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि दाल ग्राइंड नहीं हो रही है तो केवल 1 स्पून पानी आपको और ऐड करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि दाल परफेक्टली ग्राइंड हो जाएगी। 2 से 3 स्पून पानी ही ऐड करना है, 2 से 3 टीस्पून, टेबल स्पून की बात नहीं कर रही हूँ, 2 से 3 टीस्पून ऐड करेंगे सफिशियंट रहेगा और दाल आपकी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। दाल को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि अभी हमें आगे जो प्रोसेस करना है उसमें हमें बड़े बर्तन का ही जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर स्पैचुला की सहायता से जार से सारी की सारी दाल निकाल रही हूँ। दाल निकालने के बाद अब हमें इसका मेन स्टेप करना है। मेन स्टेप आप सभी को पता है कि जब भी हम दही भल्ले बनाते हैं तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से फेंटना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने स्पून की सहायता से इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन स्पून से मिक्स करना सफिशिएंट नहीं होता है, इसको आपको हाथ से भी बहुत ही अच्छे से फेंटना पड़ता है। तो जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा ये फ्लफी बनेगा और उतनी ही अच्छे आपके दही भल्ले बनेंगे। तो वैसे तो जो इसका प्रॉपर टाइम होता है वो 10 मिनट तक होता है, एटलीस्ट अगर आप 10 मिनट तक इसको फेंट सकते हैं तो वो सफिशिएंट होता है और तभी आपके दही भल्ले परफेक्ट बनते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक परफेक्ट ट्रिक, उसके लिए आपको इसे केवल 3 से 4 मिनट तक फेंटना है, और फेंटने के बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर 1 पिंच खाने वाला सोडा। आप केवल 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और 1 बूंद पानी ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बैटर है ना वो फ्लफी बन जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप खाने वाला सोडा ऐड करते हैं तो जो आपके बड़े बनेंगे वो तेल सोख करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
क्योंकि प्रॉपर तरीका होता है हर चीज का, जिस तरीके से हम बनाएंगे उसमें तेल बिल्कुल भी सोक नहीं करेगा। अब एक बर्तन में मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हींग ऐड की है। पानी को आपको बस केवल ल्यूक वॉर्म यानी कि गुनगुना ही करना है, ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है। जब पानी आपका गुनगुना हो जाए तब आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और पानी को एक साइड में रख दीजिए। जब तक पानी नॉर्मल होता है तब तक हम वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब आप देखिए, जब आप वड़े बनाते हैं ना तो क्या होता है, प्रॉपर शेप नहीं बन पाती है। उसके लिए एक ट्रिक आपको अपनानी है। एक कटोरी में पानी लीजिए, पानी से हाथों को गीला कीजिए और फिर आप इसकी ये बॉल्स बनानी स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे, एक तो ये बहुत ही प्यारी शेप बनेगी इनकी और बहुत ही प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं। इंस्टीट कि आप हाथ से जैसे वड़ी तोड़ते हैं वैसे आपको बिल्कुल नहीं तोड़नी है, ऐसे राउंड शेप इसकी बना लीजिए। हाथ को पानी से गीला कीजिए, इसको इस तरीके से रोल कीजिए जैसे लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट सुंदर सुंदर मैंने ये दही वड़े बना लिए हैं। अभी आप इनका साइज देख लीजिए कि इनका साइज कितना छोटा है। हमने इतना छोटा साइज रखा है और हाथ भी हमारे गंदे नहीं हुए हैं, लेकिन इसका जो साइज आपको एंड रिजल्ट में मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं इसके लिए टेस्ट कर लीजिए। हल्का सा बैटर मैंने इसमें ऐड किया और ये तुरंत ऊपर आ गया, इट मींस कि तेल अच्छे से गर्म था। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है लो। लो फ्लेम पर आपको सभी वड़े ऐड करने हैं। जब वड़े ऐड कर दें उसके बाद एक स्पून की सहायता से कुछ इस तरीके से इन वड़ों के ऊपर तेल डालना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप तेल डालना स्टार्ट करेंगे वड़े फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। यही इसकी एक टेक्निक होती है कि अगर आप इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर डाल देते हैं ना, तो एक तो ये चारों साइड से सिक जाते हैं, दूसरा वड़े फूल जाते हैं। तो जब आप तेल इस पर चारों साइड से इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें, उसके बाद आपको फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इसको लगभग आपको 5 से 6 मिनट तक पकाना है, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो मैं इसको पका रही हूँ और इसको बीच बीच में टर्न भी करती रहूँगी। और टर्न करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल गए हैं। जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वड़े वो कितने छोटे थे और ये कितने फूल गए हैं। और सबसे खास बात कि इनकी शेप कितनी प्यारी आई है। अक्सर जब आप वड़े बनाते हैं तो शेप इतनी सुंदर नहीं आती है ना, तो आप ये वाली ट्रिक अपनाइए कि पानी से हाथों को गीला कर लीजिए, उसके बाद आप उसको रोल करना स्टार्ट कीजिए। आपके हाथों में भी नहीं चिपकेंगे और सुंदर बहुत बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे जैसे हलवाइयों के बनते हैं। अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इसको तेल से निकाल लेती हूँ। और जो पानी हमने गर्म करने रखा था ना, जो अब ल्यूक वॉर्म है यानी कि गुनगुना है, डायरेक्टली उस पानी में अब आप इन वड़ों को ऐड कर दीजिए। तो जो पानी हमने लिया था उसमें नमक और हींग है। अब हम इस पानी में इसको 1 घंटे सोक करके रखेंगे। 1 घंटे के बाद लुक एट दिस, कितने ज्यादा फूल गए हैं, मींस जो आपने बनाए थे उसके जस्ट डबल हो चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। जो पानी में हमने नमक और हींग ऐड किया था वो फ्लेवर भी इनके अंदर आ चुका है। जो बैटर बनाया था उसमें हमने नमक ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमने पानी में ऐड किया था। तो हमारे जो वड़े हैं वो नमकीन भी बने हैं, फीके नहीं हैं। अब आप इसको निचोड़ने का तरीका देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसका पानी निचोड़ना है, बिल्कुल ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा निचोड़ दें। और अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से कितनी बढ़िया जाली आई है और बहुत ही परफेक्ट बने हैं। उसके बाद आपको इसे कुछ इस तरीके से सर्व करना है और इसके लिए मैंने तैयार की है ये दही। आप देख सकते हैं दही कितनी क्रीमी है। दही का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपके दही वड़े खाने में टेस्टी लगेंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस तरीके की दही कैसे बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद ऐड कीजिए इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी कल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इस इमली की चटनी को बनाकर आप 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर ऐड कीजिए ये धनिया और पुदीने की चटनी, जो टेस्टी भी बहुत लगती है और इसको लुक बहुत अच्छा देती है। लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है ना ये कॉम्बिनेशन, वाइट ग्रीन रेड, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बिल्कुल वही लुक आएगा जैसे कि आप मार्केट में खाते हैं ना, इतने सुंदर लगेंगे। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर जरूर ऐड करें, तभी चाट का असली मजा आता है। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया है। नमक हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही वड़े ऑलरेडी नमकीन हैं। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर
लास्ट में इसको गार्निश करने के लिए ऐड किया है अनार के दाने, जो इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेंगे, साथ ही में इसका लुक भी इन्हेंस करेंगे। तो ये हमारे फाइनल दही वड़े बनकर तैयार हैं, जो देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? आज की जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगी। एंड अब आप देखिए, मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ना, इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट दही वड़े आप भी बना पाएंगे अगर आप आज के इस पूरे वीडियो को फॉलो करते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। होली के टाइम पर दही वड़े हम सभी बनाते हैं, तो आपके पास एक परफेक्ट रेसिपी आ जाए उसके लिए ज़रूरी है कि शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और परफेक्ट रेसिपी के साथ। Until then, tata, bye bye, and love you all. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, take care.